नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी कर पर। एमपी जीके की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यदि आपने मध्य प्रदेश की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये मेरे प्लेलिस्ट का 19th वीडियो होगा, 19वां वीडियो होगा। अभी तक जो पिछले लेक्चर में हम जबलपुर संभाग के सभी जिलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, जिसमें से आखिरी जिला बचा हुआ है और इस जिले का नाम है बालाघाट जिला, जो कि मध्य प्रदेश की अगर स्थिति देखें, मध्य प्रदेश का मानचित्र देखें, मैप देखें, तो ये दक्षिण पूर्वी जिला है। तो आपसे पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि बालाघाट कहाँ स्थित है। तो बालाघाट मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिला है। बालाघाट जिला जो है, इसके बारे में हम पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। बालाघाट जिला शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है। कारण है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक वन क्षेत्र आपको बालाघाट जिले पे मिलेगी। बालाघाट अपने बहुत सारे पहलुओं में अच्छा है। जैसे कि अगर देखें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो है वो बालाघाट में है, और वो कितनी है? 1021 है, 1021 है, जो कि बहुत ही सर्वाधिक है। तो यहाँ पे हम बालाघाट के बारे में और भी चीजों को देखें, तो बालाघाट का जो आकार है वो कैसा है? बालाघाट का आकार है उड़ती चिड़िया जैसा। यानी इसके दोनों छोर पे आपको दिखेगा बढ़ा हुआ सीमा, तो ये उड़ती चिड़िया जैसा दिखता है। बालाघाट का जो पुराना नाम था, वो आप वर्तमान में इसका बालाघाट नाम है, लेकिन पुराने इसका नाम था बूरा या फिर बुरहा, बूरा या फिर बुरहा। बालाघाट के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इसे हम शिकारियों का स्वर्ग कहते हैं। बालाघाट अपने खनिज उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। मिनरल्स बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो मिनरल्स में अब हम बात करें तो इसे हम कहते हैं मैंगनीज नगरी। सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन बालाघाट जिले में होता है। मैंगनीज किस काम आता है? जो भी एरोप्लेन्स होते हैं, जो हमारे फ्लाइट्स एरोप्लेन होते हैं, उन सब में जो उसका धातु मेटल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंगनीज मिलाया जाता है। तो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बालाघाट में। बालाघाट अगर हम इसका अर्थ देखें तो बालाघाट का मतलब होता है उत्तम घाट। बालाघाट का अर्थ है उत्तम घाट। बाला का अर्थ होता है उत्तम, तो बालाघाट का अर्थ होता है उत्तम घाट। सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसका जो परसेंटेज देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग 43.90% बालाघाट जिले में वन क्षेत्र पाया जाता है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो बालाघाट जो जिला है ये 9,229 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 9,229 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ का क्षेत्रफल है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात करें, जो से यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति रहते हैं, निवास करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो है 184 व्यक्ति, 184 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, 184 किलो में व्यक्ति या पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। सेक्स रेशियो की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, तो एक औसतन साक्षर जिला है बालाघाट, और इसकी साक्षरता दर है 77.1%, 77.1%। बालाघाट की अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की, जो मैं लेक्चर की शुरुआत में ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बालाघाट की जो सेक्स रेशियो है वो है 1021, 1021, जो
जो कि सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। बालाघाट में आप देखें एक बहुत प्रमुख नदी है, और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में कि बालाघाट से एक नदी का उद्गम है और उस नदी का नाम है बेन गंगा। इस पे हम अगर चर्चा करेंगे आपको हम बताएंगे। यहाँ की अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है 17,01,698। तो ये जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या के मामले में भी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा यहाँ पे आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी। यहाँ पे बात करें तो सर्वाधिक धान उत्पादन यानी राइस का उत्पादन मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक धान उत्पादन किस जिले में होता है? तो बालाघाट में सर्वाधिक धान का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक धान का उत्पादन बालाघाट पे होता है। यहाँ पे एक घाटी है जो काफी फेमस है और लगभग आप देख सकते हैं कि काना किसली से सटी हुई है, और इसे इसका नाम है हॉलो बंजर घाटी। हॉलो बंजर घाटी। तहसीलें बात करें तो तहसीलें यहां पर कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल मिला के 11 तहसीलें हैं, और इसका नाम आप लिख लें बालाघाट, बैहर, कटंगी, बिरसा, किरणपुर, लांजी, वारासी, लांजी, वारासिवनी, खैर लांजी, लाल बर्रा, तिरोही, पारसवाड़ा। यहाँ की जो प्रमुख नदी है, जो एक इम्पॉर्टेंट रिवर है बालाघाट में, और इसका नाम है बेन गंगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बालाघाट किस नदी पे स्थित है या कौन सी नदी प्रमुख पाई जाती है, उपस्थित है? तो ये नाम है बेन गंगा। तो यहाँ पे प्रमुख नदी का नाम है बेन गंगा। बेन गंगा नदी पर एक नहर बनाया गया है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कैनाल या इरिगेशन पर्पजेस के लिए जो नहर कैनाल्स बनाए जाते हैं, इनका काम होता है सिंचाई के लिए, कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो बेन गंगा नदी पर एक नहर बनाई गई है और इस नहर का नाम है बेन गंगा नहर। यहाँ पर एक फेमस वाटरफॉल है, जलप्रपात है। वाटरफॉल, उस वाटरफॉल का नाम है गांगुल पारा जलप्रपात। इन सभी डाटा को आप अपने नोट्स में लिखते चलें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका जो नोट्स है एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं व्यापम या फिर अन्य एग्जाम्स जो आयोजित होते हैं, इन सभी में आपके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आपके एक भी पॉइंट्स मिस नहीं होंगे। यही हमारा प्रयास है। नेक्स्ट है, यहाँ पर अगर बात करें तो पहला बायोमेट्रिक डाटा, बायोमेट्रिक डाटा की मदद से, बायोमेट्रिक कार्ड की मदद से मजदूरों को भुगतान किया जाता है, यानी उनकी बायोमेट्रिक, आपको पता है बायोमेट्रिक जांच कैसे होती है। बायोमेट्रिक में आपके फिंगर और आपके रेटिना का इमेज लिया जाता है, उसकी मदद से। ये इसलिए किया जा रहा ताकि जो मजदूर जो मेहनत कर रहा है उसका जो उसका वेतन है, उसका जो भुगतान है उसी को मिले, वरना बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, उसको दूर करने के लिए बायोमेट्रिक डाटा का हम इस्तेमाल करते हैं। या आजकल आप देखें जो राशन होता है, जो राशन है राशन की दुकानों में भी बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। पहले क्या होता था कि राशन या फिर जितने भी जमाखोर होते थे ये गरीबों के नाम पर ये कलेक्शन करते थे और उसे ब्लैक मार्केटिंग, इसको रोकने के लिए ये बायोमेट्रिक कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे देखें तो मलाज खंड, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मैंगनीज के लिए काफी फेमस है बालाघाट। यहाँ पे मलाज खंड है जो तांबा नगरी कहा था, तांबा नगरी से फेमस है। ठीक है, तो मलाज खंड और मैंगनीज जो है भारवेली खदान से निकलती। सबसे बृहद मैंगनीज खान जहां से मैंगनीज हम प्राप्त करते हैं, और वो है बारबेली। 80% तांबा हमें
बारबेली से प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर तांबा बहुत ज्यादा उपस्थित है और तांबा उपस्थित होने के कारण यहाँ तांबा बहुत ज्यादा उपस्थित होने के कारण हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है मलाज खंड में। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाज खंड में चलाया जा रहा है। किरणपुर प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, यहाँ इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाया गया है। इंडस्ट्रियल सेंटर का डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए किरणपुर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया है जो कि बालाघाट में है। खनिज के बाद खनिज हम बता चुके हैं आपको कि मैंगनीज जो है ये भारवेली खदान से प्राप्त किया जाता है, तांबा ये मलाज खंड से प्राप्त किया जाता है, अन्य भी खनिज यहाँ पाए जाते हैं जिसके लिए बालाघाट जाना जाता है, चूना और बॉक्साइट। मध्य प्रदेश में पोहा का जो कंजप्शन है, पोहा एज अ ब्रेकफास्ट इस्तेमाल होता है, तो सर्वाधिक पोहा मिले कहाँ स्थित है? सर्वाधिक पोहा मिले मलाज खंड और जो कि बालाघाट में है यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक बांस उत्पादन है, बांस उत्पादन के लिए जाना जाता है। बांस एक विशेष प्रकार का प्लांट है और ट्री भी कह सकते हैं जो कि बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता है, तो ये सबसे ज्यादा जहाँ उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में वो है बालाघाट। बालाघाट में एक लांजी का किला है, बालाघाट में ये लांजी का किला है जो हमेशा से बालाघाट के लिए एक आकर्षक स्थल के रूप में स्थापित हुआ। लांजी का किला यहाँ पर एक देखें सर्वाधिक नक्सलाइट जो है, नक्सलवाद जो नक्सल क्षेत्र है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सटा हुआ है थोड़ा सा, तो जो नक्सलाइट क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर दिखेगा बालाघाट पे। फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र जो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को संरक्षण करने के लिए यहाँ पर रेंजर्स को तैनात किया जाता है, तो रेंजर की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बालाघाट में स्थित है। प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय यानी कि कैसे वनों को बढ़ाया जाए, वनों की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, वनों में संरक्षण बढ़ाया जाए, ऐसी नॉलेज और ऐसा ज्ञान हमें इस यूनिवर्सिटी से प्राप्त होता है जो कि बालाघाट में ही स्थित है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो रीजनल सेंटर वो भोपाल है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें वन प्रबंधन जो शिक्षा कहाँ का सेंटर कहाँ है वो बालाघाट में है। यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो प्रसिद्ध स्थल है धूती बांध और हट्टा की बावड़ी और तीसरा है किरनाई, रामपल्ली मंदिर, किरनाई मंदिर, रामपल्ली मंदिर और नहसल सारा बांध, ये जो है ये प्रमुख प्रसिद्ध स्थल है। देखिए तालाबों द्वारा पहला इरिगेशन, तालाबों द्वारा पहला जो सिंचाई केंद्र है, पहला जो इरिगेशन है, क्योंकि सबसे तीन प्रकार से सिंचाई की जाती है, नलकूप माध्यम से, तालाब के माध्यम से और नहर के माध्यम से, तो ये जो तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है बालाघाट में और प्रथम स्थान अर्जित करता है बालाघाट। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की चावल का किस्म है जो इस चावल का नाम है काली मूंछ चावल, थोड़ा सा इसका कलर ब्लैकिश है, आप जब गूगल करके देखेंगे तो हल्का सा इसका रंग काला है और ये काली मूंछ चावल अपने स्वाद के लिए जानी जाती है और विशेषकर ये केवल बालाघाट में ही आप देखेंगे पाई जाती, इसलिए काली मूंछ चावल के लिए प्रसिद्ध है बालाघाट। दोस्तों ये था बालाघाट के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम अगले संभाग की ओर बढ़ेंगे। हमने जबलपुर संभाग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को देखते चले, हम एक एक संभाग और एक जिले वार सारी संपूर्ण मध्य प्रदेश समान ज्ञान की जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। शेयर करना आपका कर्तव्य है, लाइक करें, कमेंट करें, आपके सुझाव हमारे लिए स्वागतपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।